जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही सर्वार सिद्ध योग है। इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इन सात भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व बताया है, तो इस दिन आप जल का, अन्न का, गुड़ का, शहद का दान अवश्य करें। और इस दिन अगर आप लाल फल हनुमान जी पे अर्पित करके अगर गरीबों में बांट दें, या गुड़ चने का भोग लगाकर अगर गरीबों में बांटते हैं, तो इससे संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको एक अद्भुत उपाय बताने वाले हैं, जिसके करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में सदैव बना रहेगा। इस उपाय को करने से घर परिवार में सुख शांति और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर सदैव कृपा बने रहेगी। दोस्तों, इस दिन बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है इन सात भाग्यशाली राशियों के लिए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। सुबह स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें और इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी का पूजन अवश्य करें, उन्हें लाल फल लाल फूल अवश्य अर्पित करें। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक मिट्टी का बर्तन लाना है, यानी एक मटका खरीद के लाना है और उसको अच्छे से धोकर उसको आपको उसमें स्वच्छ जल भरना है। उसमें थोड़ा सा आपको, मतलब गंगा जल है तो गंगा जल जरूर डालें और उस मटके पर आपको हल्दी से देखिए स्वास्तिक बनाना देना है। और उस मटके के अंदर जो आपने जल डाला है उसके अंदर आपको एक तुलसी का पत्ता डाल देना है और उस जल को आपको अपनी रसोई में पूर्व दिशा की तरफ, यानी जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख दें। अगर पूर्व दिशा की तरफ रख सकते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ ज़रूर रखें और उस जल को आप सह परिवार अवश्य ही ग्रहण करें। उस दिन यकीन मानिए माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही इस दिन बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है। देखिए, 50 वर्षों के बाद ऐसा योग बना हुआ है। मंगलवार है, रोहिणी नक्षत्र है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है। इस दिन आप अवश्य ही, मतलब, ये कार्य करें। साथ ही दोस्तों, इन सात भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, कर्क, मीन, वृश्चिक, कन्या और धनु राशि। इन राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बना हुआ है। इस दिन शहरी भगवान का पूजन अवश्य करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को